नागदा को जिला बनाने के मुद्दे पर फिर गरमाई सियासत। पूर्व विधायक ने ज्ञापन सौंपकर भाजपा के झूठे वादे पर किया करारा प्रहार। बोले, नागदा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा के जनप्रतिनिधि। नागदा को जिला बनाने के मुद्दे पर क्षेत्र की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। मामले को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के उस बयान ने तूल दे डाला है, जिसमें उन्होंने मीडिया के समक्ष यह स्पष्ट कह दिया है कि फिलहाल प्रदेश में कोई भी नया जिला नहीं बन रहा है। इसके पीछे कारण नए सिरे से शहरी क्षेत्रों का परिसीमन व भौगोलिक सीमाओं का परीक्षण किया जाना है। मगर इसी बीच छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव को जिला बनाने की सरगर्मियां सुनाई देने और राज्य शासन द्वारा जुन्नारदेव को नया जिला बनाने की संभावना बनती देख नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के लोग उद्वेलित नजर आ रहे हैं। आम और खास की जुबान पर यह सवाल उस जवाब की तलाश में है कि जब विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, तब भाजपा इस घोषणा के घोड़े पर सवार होकर आतिशबाजी कर जश्न तक मना चुकी है। तो फिर क्या कारण रहा है कि उसी पार्टी के विधायक के बोल बदल गए हैं? सीधी सी बात है, जनता के साथ धोखा तो हो रहा है, क्योंकि नागदा को जिला बनाने की घोषणा एक बार नहीं तीन तीन बार हो चुकी है। पहले 2013, फिर 2018 और फिर 2023, यानी कि 15 साल से नागदा को जिला बनाने की जुगाली की जा रही है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के एक युवा नेता बसंत मालपानी ने शहर हित के इस बड़े मुद्दे को लेकर भोपाल तक पैदल यात्रा तक कर डाली है। तब तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और भाजपा के सभी बड़े नेता मालपानी की इस यात्रा में कदम ताल करते नजर आ रहे थे। जताया ये जा रहा था कि शहर हित के इस मुद्दे पर सियासत एक तरफ रखकर सभी एक साथ हैं। मगर आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि नागदा को जिला बनाने का सपना देखने वाले पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को सोमवार को ज्ञापन देकर नए सिरे से जिले की कहानी सुनाना पड़ रही है। बहरहाल मुद्दा क्षेत्र की हर जनता से जुड़ा है। हालांकि फौरी तौर पर जिले का मुद्दा आम जनता की सेहत पर भले कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन एक बात तय है कि इस मुद्दे पर सियासत आने वाले दिनों में कई बार अंगड़ाई लेगी और शहर की फिजाओं में बार बार ये दोहराया जाता रहेगा कि भाजपा और उसके नेताओं की कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है। फिलहाल तब तक इंतजार कीजिए और सुनिए पूर्व विधायक क्या कह रहे हैं। होशियार, होशियार, होशियार। उद्योग की दलाली बंद करो, बंद करो। जनता 8 माह से नागदा को जिला के बनने का इंतजार कर रही है। जहाँ जिला होता है वो शासन के बिन मांगे बिगर आंदोलन करे। उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला चिकित्सालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और क्षेत्र के में कई शिक्षा की कई सौगातें क्षेत्र में मिलती है। उन्नति विकास के कई द्वार खुलते हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है। इन सब मद्देनजर रखते हुए हम 2008 से ही नागदा को जिला बनाने की हम लगातार मांग कर रहे हैं। 8 और 13 में 3 बार विधानसभा में जिला बनाने का आश्वासन हुआ। 13 में भाजपा विधायक के रूप में छत्तीस जनता ने शासन के साथ चुना था कि जिला बनेगा, परंतु 8 चोट फिर उसके बाद में पुनः का जिले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और 18 में पुनः क्षेत्रीय जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो इस क्षेत्र के हमने कमलनाथ सरकार में 18 मार्च 2019 को हमने जिले बनाने का प्रस्ताव पास किया। सरकार के बाद में हमारे शिवराज जी 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। गजट नोटिफिकेशन भी समय सीमा में हो चुका था और दावे आपत्ति का निराकरण भी कलेक्टर उज्जैन और रतलाम द्वारा करके आपत्तियों को विधि सम्मत न मानते हुए नियुक्त करते हुए शासन के पास प्रेषित किए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ इसलिए हमारे नागदा प्रस्ताव को रोका कि कांग्रेस के विधायक उनको विधानसभा चुनाव दृष्टिगत रखते हुए उनको श्रेय नहीं जाए, इसलिए उनका प्रस्ताव रोका है। और जब विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने सिर्फ इसी आशा के साथ के यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाएगा, उन्होंने भी क्षेत्रीय जनता से वादा कर जिला बनाने संबंध में बात कही थी, हम नागदा जिला बनाएंगे, तो निश्चित रूप से
8 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई डिले। अभी हमें कांग्रेस विधायक दोगले जी के माध्यम से विधानसभा प्रश्न उठाया था, उन्होंने अवगत करे कि दावे आपत्तियों का निराकरण हो चुका है, वो प्रस्ताव लंबित है। तो निश्चित रूप से हम शासन से मांग करते हैं, वो क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ, यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली तो नाहरदगढ़ जिला बनाने की संभावना ही लगभग समाप्त हो जाएगी। जो उन क्षेत्र के विकास के जो सपने हम लोगों ने देखे हैं वो भी समाप्त होंगे। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, अभी सिर्फ उद्योग पे आश्रय पे हमारा नागदा है, यदि जिला बनता है तो कई क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, वैसे क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और मजदूरों को भी कई प्रकार के रोजगार मिलेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे सौगात मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और कई सौगातें जो जिला मुख्यालय में बिगर मांगे मिलती है, तो निश्चित हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, क्षेत्र आपका अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो श्रेय भी की का श्रेय की राजनीति भी खत्म हो गई, तो क्षेत्र की जनता की उन्नति विकास के लिए हम आपसे अनुरोध के 15 अगस्त के पूर्व गजट नोटिफिकेशन करके आप खुद आए नागदम झंडा वंदन करें और नागदम की जनता को एक सौगात दें। उसके बाद देने के लिए जहाँ तक बात है, हमारे आप उनके पुराने वीडियो भी देख लीजिए, उन्होंने खुद ने कहा था कि सीमाओं को निर्धारण हो चुका है, उन्होंने नागदा जिला बन चुका है विधानसभा चुनाव के पहले, उन्होंने ये बात क्योंकि उनके खुद के वीडियो देख सकते हैं। और जहाँ तक हमारी सीमाओं का निर्धारण तो हो चुका है, अब ये शासन कब निर्धारण करेगा कब क्या, यदि नागदा जिला नहीं बनता है नागदा की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी नहीं बना नागदा तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाले सिद्धांत पे नागदा की जनता को विचार करना होगा। यदि नागदा जिला नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। वोट लेते समय तो विधानसभा चुनाव के पूर्व तो सबने जिले की बात करी और मुख्यमंत्री 3 बार घोषणाएं करी, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन, फिर जिले को रोकने का कोई आधार नहीं बनता और परीक्षण दावे आपत्ति सब निरस्त करके विधि सम्मत कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ प्रस्ताव पास करना और नागदा जिला घोषित करना। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और कमलनाथ सरकार के पूर्व प्रस्ताव अनुसार 28 जुलाई 2023 को नागदा खाचो तो आलोट ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रशासन प्रकाशन कर 30 दिवस में दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे।